नमस्कार। खाने की नली से संबंधित अभी कई सारी बीमारियां चल रही हैं, यानी कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको हार्ट वर्न यानी कि छाती में जलन, खट्टी डकारे आना, छाती में दर्द होना, अचानक तेज धड़कन हो जाना, पल्स रेट बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, बीपी कम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना या जल्दी जल्दी सांस लेना, इस तरह की बीमारियां अभी आपको चल रही हैं। लेकिन खाने के नली से संबंधित एक बीमारी और है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं रहे हैं या फिर कोई हमें समझा नहीं रहा है। खाने की नली से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां हैं, लेकिन इस दौरान अभी के जो समय में बीमारियां चल रही हैं वो बीमारियां अलग हैं, साइकोलॉजिकल हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, मरीज को लगातार समस्या है। So, उसी से संबंधित आज इस वीडियो में आपको एक बीमारी और बताने वाला हूं, लेकिन वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लिए अब मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, उस मेडिसिन को आप उपयोग करेंगे, उस मेडिसिन का उपयोग करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो बीमारी है ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस यानी कि ईसोफेगस का मतलब होता है हमारे खाने की नली। अगर हमारे खाने की नली में सूजन आ जाए किसी कारणवश, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जो हमारा फूड पाइप है, जो हमारा खाने की नली जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ईसोफेगस कहते हैं, तो ईसोफेगस के अंदर अगर सूजन आ जाए, उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस। तो ईसोफेजाइटिस के कारण आपको जो लक्षण दिखाई देंगे वो ऐसे लक्षण हैं जो आप सोच नहीं सकते। ईसोफेजाइटिस की वजह से कई मरीजों को ऐसी समस्या आएगी जैसे कि उसको कुछ गले में अटका हुआ है, या फिर स्पेशली उसे जब वो मरीज खाना खाएगा तब उसे ऐसा लगेगा कि गले में कुछ अटक गया है, या फिर डिफिकल्टी होगी, उसे खाना निगलते समय तकलीफ होगी, खाना निगलते समय तकलीफ होगी, दर्द होगा, और जब खाना धीरे धीरे नीचे जाएगा तब भी उसको तकलीफ होगी। तो ये ईसोफेजाइटिस के कारण भी होता है, यानी कि जो हमारे खाने की नली है उसमें सूजन होने के कारण भी होता है। तो यहाँ पर हमें डरने की बात कोई भी नहीं है। इसके कारण अगर आप समझ लें तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हमें ये समस्या होती है। जैसे कि कई मरीज होते हैं जो गरम गरम खाना खा लेते हैं, गरम गरम चाय पी लेते हैं, गरम गरम दूध पी लेते हैं, गरम गरम पानी पी लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने की है और उसे वो गरम गरम ले लेते हैं, तो इसके कारण भी हमारे ईसोफेगस में सूजन आ सकती है, पहली बात। दूसरा, कोई ऐसे मरीज जिनको GERD की समस्या है, GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, राइट, जिसमें क्या होता है कि मरीज को जो खट्टी डकारें होती है वो गले तक आ जाती हैं, तो उसके इरिटेशन के कारण भी हमें ईसोफेजाइटिस हो सकता है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है फिर भी उनको किसी अदर इरिटेशन के कारण ईसोफेगस में सूजन आ रहा है, तो उसको सिम्टम्स क्या आएगा, जब वो मरीज कुछ निगलेगा, जब मरीज कुछ खाएगा तब उसको डिफिकल्टी होगी, उसको दर्द होगा और उसको कुछ अन्य तकलीफ भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि किसी को प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन डला हो, यानी कि किसी मरीज को राइल्स ट्यूब जिसे हम बोलते हैं ना, जो खाने की नली होती है, अगर किसी मरीज को लंबे समय से वो डली है तब भी उस मरीज को ईसोफेगस में सूजन आ सकती है, लेकिन ये रेयर कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि एक आम व्यक्ति को राइल्स ट्यूब तो डलेगी नहीं, है ना, जो ज्यादा बीमार है उसको डली रहेगी, लेकिन मैं एक कारण बता रहा हूं कि उसकी वजह से भी कई मरीजों को सूजन आ जाती है ईसोफेगस में, खाने की नली में। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज जिनको रेडिएशन चल रहा हो, या रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो, या एंटी कैंसर ड्रग ले रहे हो, जिनको कैंसर हो गया हो, या कैंसर की दवाइयां जिन मरीजों की चल रही हो, उसके कारण भी ईसोफेगस में सूजन हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन अगर किसी मरीज को होता है तब भी उस मरीज को
ईसोफेगस में सूजन हो सकता है। इसके अलावा गले से संबंधित इन्फेक्शन अगर लंबे समय से चले आ रहे हो, लंबे समय तक अगर वो रहते हैं, तो उसके कारण भी हमारा जो ईसोफेगस होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें सूजन आ सकती है। तो ये इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके आपको लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे सॉलोइंग डिफिकल्टी, यानी कि जब आप कुछ खाएंगे, जब आप कुछ पिएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है, गले में कुछ अटक सा रहा है, ठीक है। दूसरा लक्षण होता है हर्टबर्न। हर्टबर्न यानी कि छाती में जलन होना। छाती में जलन बहुत तेज हो सकती है, किसी को कम हो सकती है, किसी को होती भी नहीं है। इसके अलावा उल्टी होना, उल्टी के साथ में उसको खून आना। और लास्ट जो सिम्टम्स है वो होता है सॉर इरिटेशन, यानी कि गले में बार बार उसको ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, या गले में उसको कुछ खराश टाइप का आ रहा है, बार बार उसको इरिटेशन टाइप का हो रहा है। इसके अलावा उसको गले में दर्द रह सकता है, और ईसोफेगस में उसको दर्द रह सकता है जो कि छाती में आपको महसूस होगा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर एंड शाम को इस दवाई को लेने से समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो भी मरीज इस समस्या से परेशान है, जो भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं, जो भी इस समस्या से प्रभावित हैं, तो उन मरीजों को बेलाडोना 30 पोटेंसी लेने से, दिन में 3 बार लेने से उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्पाइसी कम खाएं, गर्म चीज़ें कम खाएं, बिल्कुल बंद कर दें भले। इसके अलावा जो जिनकी रेडिएशंस है या जो कैंसरस दवाइयां चल रही हैं, तो वो अपने डॉक्टर से मिलें। जिन मरीजों को GERD की समस्या है, वो गैस को ख़त्म करने वाली दवाइयां लें, जैसे कि कार्बोवेज वगैरह है, या एंटासिड्स वगैरह जो दवाइयां ले सकते हैं वो लें। या फिर जिन मरीजों को हाइटस हर्निया है, कई मरीज को हाइटस हर्निया की वजह से भी ऐसा दिक्कत आ सकती है, तो हाइटस हर्निया का जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, या फिर ऑपरेशन कराएं, तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई इससे बड़ी बीमारी बन भी नहीं सकती है, छोटी सी बीमारी है, छोटा सा लक्षण है, जो कि आप आसानी से घर पर इसे ठीक कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेके। जैसे मैंने आपको बताया, गरम गरम चीज़ें ना खाएं, जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, और कुछ ऐसी चीज़ों खाने से बचें जो एसिड्स वगैरह वाली चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें स्पाइसी वगैरह फूड्स वगैरह है, इस तरह की चीज़ें खाने से बचें, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, घर पर ठीक हो सकते हैं, कम दवाइयों में ठीक हो सकते हैं, और प्रिकॉशंस कर लेते हैं तो बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।